उनको बदल दिया गया, फिर लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया गया। करनाल से फिलहाल आगे चल रहे हैं, 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे हो गए हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, जिनको पहले आगे पीछे देख रहे थे हम, राउंड में हो रहे थे। अभी फिलहाल 10,000 की जो लीड है वो ले ली है मनोहर लाल खट्टर साहब ने। आगे चल रहे हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा से, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता रहे हैं, ये जानकारी जो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को ये बता रही है, ये बताने के लिए काफी है कि देखिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरिए, लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरिए, लोगों के सवालों को, लोगों की परेशानियों को, लोगों की मुसीबतों को समझिए, उनको एड्रेस कीजिए। अपनी मनमानी से बात नहीं चलेगी, जनता जनार्दन वोट की ताकत है। भले ही 5 साल में एक बार मौका आता है, लेकिन जब ये मौका मिलता है तो लोग कितनी समझदारी से, कितनी सूझबूझ से उस मौके का इस्तेमाल करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो बता रहे हैं। इंडिया 222, एनडीए 285 और अन्य 34 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं आप देखिए ये बता रहा है कि चुनाव बेहद दिलचस्प जरूर है। हमारे साथ रजवंत साहब है, अपनी बात पूरी कीजिए रजवंत।